ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, इट इज योर मैथ सॉरी इट इज योर साइंस पीरियड एंड इन दिस साइंस पीरियड लेट अस वी डू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पेज 71। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, लेट अस वी डू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पेज 71। फर्स्ट इज कंबसन इज इन फैक्ट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कंबसन इज एन इनफैक्ट एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो कंबसन होता है, ज्वलन जो होता है, वास्तव में वो ऑक्सीकरण क्रिया है। नाइट्रोजन इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर ए सपोर्टर ऑफ कंबसन। जो नाइट्रोजन होता है वो ना तो कोई ज्वलनशील पदार्थ है और ना ही जलने में सहायता करने वाला है। During incomplete combustion, a part of the unburnt fuels, unburnt fuels से ज़्यादा बेटर क्या होगा, इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं कार्बन, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में कार्बन, passes into the atmosphere in the form of a soot, soot जिसको आप काजल कहते हैं। नेक्स्ट है all fossil fuels, यानी natural fuels can be used directly to produce heat by burning। फिर ए ब्लू फ्लेम इज एन आउटर फ्लेम, ए ब्लू फ्लेम इज एन आउटर फ्लेम, यहाँ आप कह सकते हैं इज ए हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम भी कर सकते हैं। द इनर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ब्लैक इन कलर, द इनर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट है 7 है नंबर ऑफ विंडमिल्स इरेक्टेड ओवर ए लार्ज एरिया आर कॉल्ड विंड एनर्जी प्लांट्स, विंड एनर्जी फॉर्म, विंड एनर्जी फॉर्म भी कह सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग जो है आपको बाद में कराया जाएगा, पहले से जो है आप मैचिंग कर लीजिए मैथ द कॉलम्स। तो नॉन ल्यूमिनस जोन आप क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम हो जाएगा। नॉन ल्यूमिनस जोन क्या होगा, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम हो जाएगा। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आती हैं। मेथेन किसकी वजह से आता है, गैसियस फ्यूल्स की वजह से आता है। मेथेन किसकी वजह से आता है, गैसियस फ्यूल्स की वजह से आता है। ऑयल फील्ड्स किसकी वजह, ऑयल फील्ड्स से किसकी मैचिंग होगी, दिगबोई अंकलेश्वर एंड बॉम्बे हाई, दिगबोई अंकलेश्वर एंड बॉम्बे हाई। फिर नेक्स्ट है कोल, कोल क्या है, कोल जो है पावर स्टेशंस में, थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न प्रयोग की जाती है। इको फ्रेंडली फ्यूल्स, इको फ्रेंडली फ्यूल्स में आप क्या आ जाते हैं, नेचुरल गैस आते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए हम देख सकते हैं पेज 66 पर, पेज 66 पर जो वाइंड एनर्जी का शॉर्ट है उसको आप लिख लेंगे। फिर इसी पे 67 पर आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है उसको आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा। देर इज़ नो एनी सेंटेंस टू बी लेफ्ट, कोई भी सेंटेंस छोड़ना नहीं, क्योंकि शॉर्ट नोट थोड़ा बड़े होते हैं तो हम बड़ा काम करते हैं तभी बड़े बनते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से लिखेंगे लर्न करेंगे तो उससे लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का दोनों आप लिखेंगे। अब लेबल द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, तो आपको इसमें दिखाया गया है कि जो सबसे ऊपर का है, सबसे बाहरी है, वो जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन होता है। जो उसमें बीच में आप देख रहे हैं कि जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन होता है। जो सबसे अंदर का होता है जोन ऑफ नो कंबसन, यहाँ कोई भी नहीं होता, जो येलो कलर का दिख रहा है। फिर जो इनर मोस्ट जोन है वहाँ देख रहे हैं वहाँ कोई कंबसन होता ही नहीं है, वो सबसे कम ठंडा होता है, हाँ जोन 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 ही होता है। तो ये आप इस तरह से इसका ए वर्क और ए मैच द फॉलोइंग वर्क और फिल इन द ब्लैंक्स वर्क, ये दोनों आप लोग फेयर कॉपी में नहीं करेंगे, केवल बुक में ही करेंगे। बल्कि जो पार्ट सी डिफरेंशिएट बिटवीन है और ए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग है, ये दोनों आपको अपनी फेयर कॉपी में भी करने होंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। डिफरेंशिएट बिटवीन और शॉर्ट नोट्स आपको फेयर कॉपी में करना है, ध्यान रखना है। तो अभी आपको डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं कराया गया है, यदि आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल टेल यू। ओके स्टूडेंट्स।
जो जो बच्चे डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं कर सकते हैं वो हमें मैसेज करेंगे, तो हम इनका डिफरेंशिएट बिटवीन भी रिटर्न वे में लिख के भेजेंगे। लेकिन आप शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं तो इसको आप फेयर कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। गॉड ब्लेस यू टू बी हैप्पी एंड हेल्थी।